की रिपोर्ट जारी हो गई है। जलजले में सबसे ज्यादा नुकसान केपी में हुआ। एनडीएमए के मुताबिक जलजले में 11 अमवात हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। रिपोर्ट के मुताबिक जलजले में मजमूई तौर पर 70 अफराद जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर 172 घरों को नुकसान पहुंचा। केपी में 159, आज़ाद कश्मीर में 2 घरों को नुकसान पहुंचा। आमिना अली से बात करते हैं। आमिना, क्या कहती है एनडीएमए की रिपोर्ट? जी बिल्कुल, एनडीएमए ने हालिया जल्जले में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक हालिया जल्जले में सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जल्जले में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। तमाम अफराद का ताल्लुक केपी के से था, जहां जांबक होने वालों में 6 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। एनडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले में मजमूई तौर पर 79 अफराद जो हैं वो जांबक जख्मी हुए हैं। इसके अलावा केपी के में 77 और पंजाब में 2 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 172 घरों को नुकसान पहुंचा है। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 169 और आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 2 घरों को जो है नुकसान पहुँचा, जबकि केपी के में। आमना अली, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और शेख रशीद अहमद की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर